लहसुन मिर्चा सब डाल दिया है, इसमें भून गया है प्याज अदरक लहसुन मिर्चा सब भून गया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी एक चावल, ये आलू मटर भी ऐड कर देंगे। ये घर का बनाया हुआ मसाला डालेंगे इसमें, और ये खटाई है, इसे भी मसाला है, और ये थोड़ा सा हल्दी भी ऐड कर देंगे इसमें। मीडियम फ्लेम पर इसको मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक इसको आराम से भूनूंगी। इसका कलर थोड़ा आ गया है, अब इसमें पानी ऐड करूंगी। अब इसमें टमाटर भी कट करूंगी। अब इसमें मैं नमक ऐड कर दूंगी, और ये टमाटर भी इसमें ऐड कर दूंगी। इसको मिक्स करके अच्छे से अब इसको ढक के हाई फ्लेम पर पकाएंगे। अभी ये पकने के बाद थोड़ा सा कलर इसका आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देखती हूँ अभी तहरी पका है कि नहीं। ये देखिए हो गया है इसका आलू, देखती हूँ आ गया, आलू भी पक गया है। अब इसमें धनिया ऐड कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, ये तहरी बनके हो गया रेडी।